कुछ दिन पहले अमरावती शहर में एक ऑटो चालक की हार्ट अटैक के चलते मौत हुई थी और उसके बाद प्रशासन ने उसके परिवार वालों को स्वैब लेकर कोरोना के लिए जांच के लिए भिजवाए थे और उस ऑटो चालक के परिवार में संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। 18 मार्च की सुबह उस व्यक्ति के संपर्क में आए हुए एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके चलते अमरावती शहर में सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। और इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल ने पत्र परिषद में अधिक जानकारी दी। अमरावती जिल्ह्यामध्ये आज अजून एक रुग्ण पॉझिटिव आलेले आहेत आणि त्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग एक्सरसाइज इश्यू करण्यात आलेली आहे आणि त्या एरियाला आता कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करून त्या ठिकाणी डोर टू डोर सर्वेचा आदेश पाळत करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्या जवळपासचे असलेले जवळपास 23 लोकांना आता आपण इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईन ठेवतो आहे आणि अजूनही त्याच्यामध्ये जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग निघणार असेल त्या सगळ्यांसुद्धा आपण कॉन्टॅक्ट करून ठेवणार आहे। मी सब जिल्ह्यावासींना परत आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी अजून सुद्धा बालगावे आणि जे शासनाचे दिशानिर्देश आहेत त्याबद्दल थोडासा अजून काटकसरप्रमाणे त्यांनी अंमलबजावणी करावी आणि शासनास सहकार्य करावे। सबसे अहम बात यह है कि कोविड-19 का महाराष्ट्र पोर्टल जो है उसके ऊपर बीते 15 अप्रैल से ही 6 मरीज कोरोना बाधित होने का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन जिलाधीश से पूछे जाने पर उन्होंने 5 का ही आंकड़ा बताया था। इस संदर्भ में विदर्भ न्यूज ने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम से भी बात की थी, तब भी 5 का ही आंकड़ा बताया गया था, लेकिन 18 अप्रैल की सुबह ये आंकड़ा 6 हो चुका है और अब अमरावती में 6 पॉजिटिव मरीज निकले हैं जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान की ये रिपोर्ट।